come from India. He speak about Uyghur people in East Turkestan. जैसा कि आपने अभी भाई से बात किया, भाई ने बताया कि चाइना ने इनके देश पे कब्जा कर लिया है और काफी जुल्म कर रहे हैं इनके लोगों के ऊपर। 1949 20 दिसंबर से काफी सारे कैंप बनाए गए हैं। भाई ने अपने माँ बाप को खो दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, भाई बहन है, जो लापता है या कहाँ पे भी है नहीं पता है किसी को भी। चाइना ने अराउंड 1 मिलियन लोगों को गायब कर दिया है इनके कंट्री से और सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। चाइना इंडिया, मैं इंडिया से हूँ, चाइना इंडिया दोनों नेबर कंट्रीज है। ईस्ट तुर्किस्तान भी हमारा नेबर कंट्री है और इन्होंने बहुत सारा कैंप बना रखा है अपने देश के आसपास, जो इनके लोगों को काफी परेशान कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है कि चाइना का प्रोडक्ट बायकॉट करें, चाइना से दोस्ती ना करें। और हम प्रे करते हैं कि भाई का मम्मी पापा सब लोग जल्दी से जल्दी मिल जाए, जहाँ पर रिहेबिलिटेशन कैंप्स में इनको ले जाया गया है, जल्दी से जल्दी उनको अल्लाह ताला इनके घर वापस भेज दें। Okay, thank you very much. Thank you.